धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। प्रायः सभी धातुएं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, लेकिन सभी धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करने की जो प्रवृत्ति है या क्रियाशीलता है वो एक समान नहीं होती। यहाँ पर भी हमें धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति जो क्रियाशीलता है उसका पता जो एक्टिविटी सीरीज है उसके अनुसार लगता है। जब हम एक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो यहाँ पर जो उच्च क्रियाशील धातुओं होती हैं, यानी कि सीरीज में ऊपर आने वाली धातुओं की क्रियाशीलता ऑक्सीजन के प्रति बहुत तीव्र होती है, ये बड़ी आसानी से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, इन धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता लगभग कम होती जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाली यानी कि अति क्रियाशील धातुएं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। जब सोडियम, पोटेशियम या लिथियम को वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है, या हम ये कह सकते हैं जब इन्हें वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, इनका दहन किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया को हम दहन क्रिया के रूप में भी जानते हैं। तो जैसे ही इनका इन्हें ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है, ये तुरंत धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि यदि हम सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सोडियम के ऑक्साइड यानी कि NaO में कन्वर्ट हो जाता है। और हम ये भी बता दें कि जो सोडियम धातु होती है और इसका ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है, और इसीलिए यह तुरंत वायु के संपर्क में आते ही ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और यह आग पकड़ लेता है, यानी कि जलने लग जाता है। और यही कारण है कि ये जो सक्रिय धातुएं होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, इन्हें वायु के संपर्क से हटाने के लिए या वायु के संपर्क में न आने देने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती हैं ये जलने लगती हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है ताकि सीधे इन धातुओं का संपर्क वायु से ना होने पाए। इसी तरह से हम देखें कि पोटेशियम, वो भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पोटेशियम का ऑक्साइड बनाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सक्रिय धातुएं होती हैं बड़ी शीघ्रता के साथ ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और अपने ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर हम एक और बात बताएं कि ये जो धातु ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड या पोटेशियम का ऑक्साइड बना, यदि हम इन ऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो जो हमें विलयन प्राप्त होता है वह क्षारीय होता है, यानी कि ये धातु के ऑक्साइड जल में विलय होकर क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड जब इसे जल में विलय किया जाएगा तो यह क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसी तरह से जो पोटेशियम का ऑक्साइड है जल में विलय किए जाने पर पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि धातुओं के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। इसके बाद हम देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से थोड़ी कम क्रियाशील धातु मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में धीमी गति से क्रिया करती है और यह भी क्रिया करने के पश्चात अपने ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी, जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा MgO। अब हम यहाँ पर यह भी बता दें कि जो मैग्नीशियम है जब इसका ऑक्साइड बनता है और यह भी जो जलता है तो वाइट फ्लेम निकलता है। इसीलिए मैग्नीशियम धातु का उपयोग आतिशबाजी यानी कि पटाखे बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप फुलझड़ी जलाते हैं या फिर रस्सी वाला पटाखा जलाते हैं, तो जैसे ही आप रस्सी के नीचे आग लगाते हैं एक वाइट फ्लेम निकलती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम होती है। आइए इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा भी देखते हैं और समझते हैं कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो यह किस प्रकार से जलती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना इसकी प्रवृत्ति क्या होती है। हेलो बच्चों, इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण और उसके प्रकार को समझने के लिए हम बहुत सारे क्रियाकलाप करेंगे, तो चलिए हम इस क्रियाकलाप से अपनी शुरुआत करते हैं।
इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसमें सबसे पहले ये देखिए मेरे पास ये है मैग्नीशियम रिबन जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी है और इसे हमने चिमटी की सहायता से इस प्रकार फंसा रखा है। और ये देखिए स्पिरिट लैम्प, इसको जलाने के लिए माचिस, पानी, पेट्री डिश और देखिए ये क्या है मेरे पास, ये है लिटमस पेपर, ये नीले रंग का और एक लाल रंग का। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? बिल्कुल सही, विलयन की प्रकृति जानने के लिए। कोई विलयन जो है वो अम्ली है या क्षारी, इसकी जानकारी हमें लिटमस पेपर की सहायता से ही होती है। तो चलिए क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं और स्पिरिट लैम्प को जला लेते हैं। देखिए स्पिरिट लैम्प जल गया है और अब इस मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना होगा। पर बच्चों ध्यान रखें कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसे प्रयोग से पहले आप रेतमाल पेपर से रगड़कर अच्छी तरह साफ कर लें और साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि इसे जलाते समय आप अपनी आंखों को जितना हो सके उतना दूर रखें। मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं। ये देखिए ये मैग्नीशियम रिबन सफ़ेद धुएं के साथ जल रही है। हमें अपने आंखों को दूर रखना होगा और ये जो राख हमें प्राप्त हुई है इसे हम पैट्री डिश में प्राप्त कर एकत्रित कर लेते हैं। ये देखिए ये पैट्री डिश में हमें यह राख प्राप्त हुई है। इस परीक्षण के दौरान क्या आपने मैग्नीशियम की अवस्था में कोई परिवर्तन देखा? और साथ ही देखिए कि पैट्री डिश में ये जो राख प्राप्त हुई है यह क्या है? मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। इस उत्पाद का जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो हमें यह देखना है कि उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा पानी जो है वो हम इस राख में डालते हैं और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना होगा। इसको मिलाकर जलीय विलयन जो है हम प्राप्त कर लेंगे। ग्लास रॉड की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। यह विलयन हमारा प्राप्त हो गया है। अब इस विलयन की प्रकृति जो है वो हमें जांचनी है। कौन मदद करेगा हमारी? लिटमस पेपर। बिल्कुल सही, हम नीले लिटमस पेपर से शुरू कर रहे हैं। नीले लिटमस पेपर को इस विलयन पर इस प्रकार से हमने डाल दिया है। अब हमें देखना है कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मुझे तो इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए लाल लिटमस पेपर की बारी है। लाल लिटमस पेपर ये ले लिया हमने और इसको इस विलयन में डुबा दिया। देखिए इसमें तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो गया है। तो हमने देखा कि यह जो विलयन है यह क्षारीय प्रकृति का है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनकी कभी कभी अवस्था में भी परिवर्तन होता है और हमें नए उत्पाद भी मिलते हैं। तो इस तरह से क्रियाकलाप के आधार पर आपने देखा कि मैग्नीशियम किस तरह से वाइट फ्लेम के द्वारा जलता है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जो कि सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। और जब हमने इसका लिटमस टेस्ट किया तो हमें पता चला कि यह क्षारीय प्रवृत्ति का है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि जो धातुएं हैं उनके ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। चलिए एक्टिविटी सीरीज में थोड़ा और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि इनसे भी जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं यानी कि हम ले सकते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिंक या फिर लेड, ये धातुएं भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं और अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ZNO
जिंक ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपना ऑक्साइड यानी कि Al2O3 में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से आयरन भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है और यह Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम ये बता दें कि इस तरह से ये जो एल्यूमिनियम जिंक या आयरन के ऊपर जैसे ही ये ऑक्साइड बनाते हैं, इनके धातुओं के ऊपर इनकी परत, ऑक्साइडों की परत जम जाती है और ये ऑक्साइड की परत अब धातु, चूंकि यह धातु और वायु के बीच में बनी होती है, इसलिए अब ये अंदर की धातु को संरक्षित करती है, प्रोटेक्ट करती है और इस तरह से उसका और ऑक्साइड में परिवर्तन नहीं होने देती है। तो एक तरह से ये संरक्षण परत की तरह काम करती है। इसी तरह से हम देखें कॉपर, कॉपर को भी यदि अब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है यानी कि जब इसे जलाया जाता है तो यह प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन यह काला पड़ जाता है क्योंकि इसके ऊपर क्यूप्रिक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। तो यहाँ पर भी कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड की परत बनाता है जो कि कॉपर धातु के ऊपर जम जाती है और इसीलिए काले रंग की परत हमें दिखाई देती है। इसके बाद और भी धातुएं हैं, जैसे कि आयरन को ही लें तो आयरन भी अपने ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। हम यहाँ पर भी देखें कि लोहा भी है, जब उसे हम जलाते हैं, यदि लोहे की आप छड़ लें और उसे जलाएं तो वो कभी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन यदि आप लोहे का चूर्ण लें और उसे आग में डालें तो लोहे का चूर्ण प्रज्वलित हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग क्रियाशील धातुएं वायु के साथ अलग अलग तरीके से क्रिया करती हैं और अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी तरह से जो बिल्कुल अक्रिय धातुएं होती हैं यानी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये उच्च ताप में भी वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं और ये ऑक्साइड नहीं बनाती हैं और यही कारण है कि हम ज्वेलरी बनाने के लिए इन धातुओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये वायु के ऑक्साइडों से क्रिया करके ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, इसलिए इन धातुओं के ऊपर किसी भी प्रकार की गहरे रंग की परत नहीं जमती है और इसीलिए ये लंबे समय तक चमकदार दिखाई देती रहती हैं और यही कारण है कि इन धातुओं का उपयोग हम ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार क्रिया करती हैं और अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनका जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये क्षार बनाते हैं, यानी कि इनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। लेकिन क्या सारी धातुओं के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति या धातुओं की प्रवृत्ति क्षारीय होती है? यहाँ पर हम बता दें कि अधिकांश धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं तो उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अब क्षारीय प्रवृत्ति की जांच हम कैसे करते हैं? इसलिए क्योंकि जब इनके धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया हम अम्ल से कराते हैं तो लवण और जल बनता है और हम जानते हैं कि जो क्षार होता है वो अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण और जल देता है और चूंकि धातुओं के ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कराने पर लवण और जल दे रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति सिर्फ क्षारीय नहीं होती, अम्लीय भी होती है, यानी कि इनके ऑक्साइडों का गुण उभयधर्मी प्रवृत्ति दर्शाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड या फिर बेरिलियम के ऑक्साइड को। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब इसकी क्रिया हम अम्ल के साथ कराते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने लिया है Al2O3 और इसकी क्रिया हम कराते हैं HCl के साथ, तो यह लवण बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ ही साथ जल बनता है। तो यहाँ पर अम्ल के साथ क्रिया कराने पर यह लवण और जल बनना रहा है, यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय है। लेकिन जब इसी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की क्रिया हम किसी क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं,
तब भी ये लवण और जल बनाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है जो कि एक लवण है और साथ ही साथ जल बनता है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि कुछ धातुओं के ऑक्साइडों की प्रवृत्ति उभयधर्मी होती है, यानी कि ये अम्ल के साथ क्रिया करके भी लवण और जल बनाते हैं और क्षार के साथ क्रिया करके भी लवण और जल बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से क्रिया होती है और इनके ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होती है। अब हम देखते हैं कि ये धातुएं जल के साथ किस प्रकार से क्रिया करती हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आने वाली धातुएं होती हैं वो प्रायः जैसे कि यहाँ पर है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती हैं, जबकि कुछ कम क्रियाशील धातु है जैसे कि मैग्नीशियम, ये ठंडे जल से बहुत धीमी गति से क्रिया करती है लेकिन गर्म जल के साथ तीव्रता से क्रिया कर लेती है। इसी प्रकार कुछ धातुएं हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये ना तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं ना तो गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं बल्कि ये भाप यानी कि जल वाष्प के साथ क्रिया करती हैं। इसी तरह से कुछ अक्रिय धातुएं हैं जैसे कि लेड हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये किसी भी ताप पर जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं और कौन कौन से उत्पाद बनाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम धातुएं। जैसे कि हमने कहा कि ये धातुएं क्रियाशील होती हैं और ठंडे जल के साथ क्रिया करके ही ये अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और चूंकि लिथियम सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं होती हैं अति क्रियाशील होती हैं और तीव्रता से ये अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। इसीलिए यदि आपको पानी में आग का दृश्य देखना हो तो हम ये कर सकते हैं कि पानी में यदि सोडियम का टुकड़ा डाल दिया जाए तो चूंकि सोडियम पानी के साथ क्रिया करेगा अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन निकलेगी और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो ज्वलनशील होती है और साथ ही साथ चूंकि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है तो हाइड्रोजन गैस जो कि ज्वलनशील है और उसके साथ होती है ऊष्मा और इसकी वजह से वह वहां पर जलने लगती है और इस तरह से हमें पानी के ऊपर आग लगने का दृश्य दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अति क्रियाशील धातुएं होती हैं वो जल के साथ क्रिया करती हैं, अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होती हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा निकलती है। इसके बाद जो इससे थोड़ी सी कम क्रियाशील धातु है यानी कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जैसे कि मैंने बताया ये ठंडे जल से बहुत धीरे गति से क्रिया करती है लेकिन गर्म जल के साथ क्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर हम बता दें कि जब एक बहुत ही सुंदर सा मैजिक हमें दिखाई देता है, यदि हम मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो यहाँ पर भी जो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है अपने हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होते हैं और साथ ही साथ चूंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले अब बचे हुए कैल्शियम या मैग्नीशियम के टुकड़े के साथ चिपक जाते हैं और इस वजह से ये हल्की होती है और ऊपर धातु के टुकड़े तैरने लगते हैं। तो इस तरह से बड़ा सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है, तो धातुएं हमें तैरती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उससे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये भाप के साथ क्रिया करती हैं, यानी कि जब इनकी क्रिया जल वाष्प के साथ कराते हैं तो ये अपने हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित नहीं होते, ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की क्रिया
जल वाष्प के साथ कराई जाती है तो ये अपने धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित होते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम की क्रिया जल वाष्प के साथ कराई जाती है तो यह अपने ऑक्साइड यानी कि Al2O3 में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी तरह से आयरन का हम ले सकते हैं। आयरन की क्रिया जब जल वाष्प के साथ कराई जाती है तो यह अपने ऑक्साइड Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी तरह से अब जो बहुत ही कम सक्रिय धातुएं होती हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है या गोल्ड है, ये सामान्य ताप पर जनरली जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ किस प्रकार से क्रिया करती हैं। यहाँ पर भी हम देखें कि जैसे ही सक्रियता श्रेणी में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते जाते हैं धातुओं की अम्लों के प्रति क्रियाशीलता कम होती जाती है। जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम ले सकते हैं या फिर मध्यम क्रियाशील धातुएं जैसे कि जिंक है, आयरन है, ये सभी तनु अम्लों के साथ क्रिया करके संगत लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि मैग्नीशियम की क्रिया जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम का लवण यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं यानी कि जिंक की क्रिया हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जिंक का क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हम ये बता दें कि यह जो विधि है जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का निकलना, यह हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। यानी कि प्रयोगशाला में जब हमें हाइड्रोजन बनानी होती है तो हम इसी विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं जैसे कि कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम होते हैं, ये कोई भी धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले कॉपर तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है लेकिन यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है। जब कॉपर की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यह अपने नाइट्रेट यानी कि क्यूप्रिक नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ पर बनते हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। और यहाँ पर हम बता दें कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल यूज किया जा रहा है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और ये जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीकरण कर देता है और उसे जल में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि जब हम कॉपर की क्रिया या तांबे की क्रिया जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और साथ ही जल बनता है। इसी तरह से यहाँ पर हम ले जो गोल्ड है, प्लैटिनम है जो कि अक्रिय धातु हैं और पर्यावरण वातावरण में या भूपरपटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से भी क्रिया नहीं करती हैं, ये केवल एक्वारेजिया से ही क्रिया करती हैं। या यहाँ पर हम बता दें कि जो जिसे हम अम्लराज कहते हैं, अब ये अम्लराज क्या होता है तो यहाँ पर हम बताएं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग को जब हम मिलाते हैं तो जो अम्ल हमें प्राप्त होता है उसे हम अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। और गोल्ड, प्लैटिनम जैसी धातुएं केवल इसमें घुल पाती हैं, इससे क्रिया कर पाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टिविटी सीरीज में जो सक्रिय धातुएं होती हैं वो तो तनु अम्ल के साथ ही क्रिया कर लेती हैं और हाइड्रोजन गैस वो मुक्त करती हैं, साथ ही साथ इनके संगत लवण बनते हैं। जो उनसे कम सक्रिय धातु हैं वो कॉपर जैसा है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं, जो बिल्कुल अक्रिय धातुएं होती हैं वो एक्वारेजिया से क्रिया करती हैं और उसमें घुल जाती हैं या उत्पाद बनाती हैं। तो इस तरह से हम देखें कि धातुओं की अम्लों से जो क्रिया है उसकी सक्रियता की दर भी भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से हमने धातुओं के बहुत सारे गुणों को जान लिया।
हमने उनके भौतिक गुणों को भी जाना और उनके रासायनिक गुणों को भी जाना। हमने देखा कि धातुएं रासायनिक रूप से वायु के साथ या वायु की ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, अम्लों के साथ किस प्रकार से क्रिया करती हैं। यहाँ पर हम एक और अभिक्रिया बताना चाहेंगे कि ये धातुओं के लवण से किस प्रकार से क्रिया होती है। इसे आपने एक्टिविटी में समझा भी है। जब किसी एक धातु की एक दूसरी धातु के लवण के साथ क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर हम जो अधिक सक्रिय धातु होती है वह कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देती है। यानी कि एक धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण में से उसे विस्थापित करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। इसका उदाहरण आपने एक्टिविटी में भी देखा है। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालते हैं या जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक चूंकि कॉपर से अधिक सक्रिय होती है इसलिए वह कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है और विलयन में जिंक सल्फेट बन जाता है। इसी तरह से यदि हम जिंक सल्फेट के विलयन में मैग्नीशियम धातु को डालते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु चूंकि जिंक से अधिक सक्रिय होती है इसलिए यह कम सक्रिय धातु के लवण यानी कि जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित कर देती है और स्वयं उसका स्थान ले लेती है। तो विलयन में हमें जिंक मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ जो जिंक है वो वहाँ से विक्षेपित होकर अलग हो जाती है। तो इस तरह से हमने धातुओं की भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा। धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों को जान लेने के बाद अब हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि ये जो धातुएं हैं जिनका हम अलग अलग अपने घरेलू जीवन में या फिर औद्योगिक तौर पर या फिर ज्वेलरी के रूप में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भिन्न भिन्न जगह पर उपयोग करते हैं तो क्या ये सभी धातुएं भूपरपटी में तो मिलती हैं तो क्या सभी भूपरपटी में वैसे ही मिलती हैं जिस अवस्था में हम इनका उपयोग करते हैं या किसी अन्य रूप में मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो धातुएं हैं उनकी प्राप्ति कहाँ पर और किस तरह से होती है और यदि यह अपने किसी कंपाउंड यौगिक के रूप में भी मिलती हैं तो उनसे हम शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं, वो पूरी प्रोसीजर क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं धातुओं की प्राप्ति। प्रायः सभी धातुएं भूपरपटी पर पाई जाती हैं और भूपरपटी पर जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आदि धातुएं और कुछ धातुएं अन्य तत्वों के साथ मिलकर रासायनिक यौगिक का निर्माण कर लेती हैं और इस तरह से ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं धातुएं उन्हें तो बड़ी आसानी से उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करके बहुत ही छोटे प्रोसेस के द्वारा हमें शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो धातुएं अन्य धातुओं के साथ मिलकर संयुक्त हो जाती हैं, यौगिक का रूप धारण कर लेती हैं, उन यौगिकों में से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने में हमें एक लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है और इस लंबी प्रोसेस को हम धातु कर्म कहते हैं। तो अब पहले हम देखें कि ये जो मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में धातुएं पड़ी हुई हैं इन्हें हम निकालते कैसे हैं। तो चूंकि ये मिट्टी या जमीन की भूपरपटी पर हैं तो निश्चित रूप से हम इनकी माइनिंग करके इनका खनन करके पहले प्राप्त करते हैं और इसीलिए चूंकि इन्हें जमीन से माइन करके या खनन करके प्राप्त किया जाता है इसलिए चाहे ये मुक्त अवस्था में हो या संयुक्त अवस्था में हो ये खनिज कहलाते हैं। यानी कि हम खनिज को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है तथा इनके भौतिक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है ऐसे पदार्थों को हम खनिज या मिनरल कहते हैं।
तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये पदार्थ जमीन से खनन करके निकाले जाते हैं, लेकिन इनका जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित होता है और उन्हें देखकर हम कुछ इनके भौतिक गुणों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो खनिज हुए, अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये अपने संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, यौगिक के रूप में मिलते हैं, तो ये जो धातुएं होती हैं ये या जो खनिज होते हैं ये ऑक्साइड के रूप में हमें मिल सकते हैं, सल्फाइड के रूप में मिल सकते हैं, कार्बोनेट के रूप में मिल सकते हैं, या फिर और अधिक क्लिष्ट रूप अपने सिलिकेट्स के रूप में हमें मिल सकते हैं, सल्फेट के रूप में हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो धातुएं होती हैं अपने आसपास के तत्वों के साथ विभिन्न प्रकार के यौगिक बना लेती हैं और ये यौगिक जो है वो भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट या कार्बोनेट के रूप में, जिनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर एक बात बतानी और जरूरी है, वो ये कि धातुएं खनिज के रूप में भूमि या भूपरपटी पर मिलती हैं। अब एक धातु का एक से अधिक रूप हो सकता है, यानी कि कोई धातु अपने ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकती है, अपने सिलिकेट के रूप में भी मिल सकती है। तो चूंकि चाहे वो ऑक्साइड हो या फिर उसका सिलिकेट हो, दोनों को ही हमने जमीन से खनन करके निकाला, तो दोनों रूप तो खनिज ही कहलाएंगे। लेकिन हो सकता है कि एक रूप में धातु की मात्रा ज्यादा हो और अशुद्ध की मात्रा काफी कम हो, और दूसरे रूप में अशुद्धि जिसे हम गैंग कहते हैं उसकी मात्रा काफी ज्यादा हो और उसमें धातु की मात्रा काफी कम हो। तो यहां पर भी इन दोनों के नामों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा खनिज जिसमें कि धातु की मात्रा कम है और अशुद्धि की मात्रा ज्यादा है और जिससे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना बहुत कम कठिन हो जाता है और साथ ही साथ जो धातु की प्राप्ति होती है वो भी काफ़ी कम होती है, तो ऐसे धातुओं के कंपाउंड को हम खनिज कहेंगे। लेकिन दूसरा कंपाउंड जिसमें कि अशुद्धि की मात्रा कम हो और धातु की मात्रा काफ़ी अधिक हो, तथा ऐसे खनिज से हम धातु को बहुत ही कम खर्चे में तथा सुविधाजनक विधियों के द्वारा अधिक मात्रा में धातु प्राप्त कर सकें, ऐसे खनिज को हम अयस्क या ओर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि खनिज को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक खनिज और दूसरा अयस्क। तो इस तरह से जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, एल्यूमिनियम का एक खनिज होता है फेल्सपार। अब यहाँ पर जो फेल्सपार है वह कई एल्यूमिनियम के साथ कई अन्य धातुओं के सिलिकेट्स होते हैं। अब इसमें एल्यूमिनियम के साथ सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है, तथा उनके सिलिकेट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये जो फेल्सपार होता है वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या बेरियम के एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, पोटेशियम का सिलिकेट है पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट, यानी कि KAL-Si3O8। यह एल्यूमिनियम का एक पोटेशियम सिलिकेट है। इसमें आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम तो है लेकिन साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी है और इसमें सिलिकेट भी है। तो जनरली जब हम इसमें से एल्यूमिनियम निकालना चाहेंगे तो उसमें अशुद्धि की मात्रा ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम की मात्रा कम मिलेगी, और साथ ही साथ चूंकि एल्यूमिनियम को निकालना है तो उसमें से हमें पहले पोटेशियम को अलग करना पड़ेगा, सिलिका को अलग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होगी। तो इसीलिए जो फेल्सपार है वह एल्यूमिनियम का खनिज कहलाएगा। दूसरी ओर हम लेते हैं एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं बॉक्साइड, और ये बॉक्साइड में का जो सूत्र होता है या हम कहें जिसमें एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड के रूप में मौजूद होती है, यानी कि इसका सूत्र है Al2O3 डाइहाइड्रेट या Al2O3 बाइहाइड्रेट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम है वह केवल अपने ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन को हटा दें और इसका अपचयन कर दें तो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगी।
और इसमें से जो एल्यूमिनियम मिलेगी उसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें अन्य तत्व या अन्य पदार्थ गैंग के रूप में बहुत ज़्यादा उपस्थित नहीं होंगे। तो इसलिए जो बॉक्साइड है वह एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह खनिज जिसमें कि धातु की मात्रा बहुत कम और अशुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है वह खनिज कहलाता है। दूसरी ओर वह खनिज जिसमें कि धातु अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जबकि अशुद्धि की मात्रा कम होती है उसे हम अयस्क कहते हैं। खनिज दोनों ही हैं लेकिन दोनों अयस्क नहीं हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि सारे अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते। आइए अब हम देखते हैं कुछ धातु के अयस्कों के नाम और सूत्र, या हम देखें कि ये जो धातुएं होती हैं वो किन किन अयस्कों के रूप में मिलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अयस्क का वह प्रकार जो कि ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो ऑक्साइड अयस्क के रूप में होती हैं वो प्रायः हमें आयरन, एल्यूमिनियम और टिन मिलते हैं। जैसे कि आयरन का ऑक्साइड होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, यानी कि जो इनके अयस्क का नाम होता है वह है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट इसका सूत्र होता है Fe2O3, और जो मैग्नेटाइट होता है उसका सूत्र होता है Fe3O4, यानी कि यहाँ पर आयरन अपने ऑक्साइड में उपस्थित रहता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड अयस्क होता है उसे हम बॉक्साइड कहते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पर इसका सूत्र होता है Al2O3, और जिसमें दो अणु हाइड्रेटेड वाटर के उपस्थित होते हैं। इसी तरह से टिन का भी एक ऑक्साइड अयस्क होता है जिसे हम कहते हैं कैसिटराइट, और इसका सूत्र होता है SnO2। इसी प्रकार अयस्कों का दूसरा प्रकार है जो कि कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है, और इसके उदाहरण हम देखते हैं जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट, और इस अयस्क का नाम होता है डोलोमाइट, और इसका सूत्र होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह जो डोलोमाइट है उससे हमें मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं प्राप्त होती हैं। इसी तरह से कैल्शियम का एक और बहुत ही सामान्य अयस्क होता है जिसे हम कहते हैं लाइमस्टोन या चूने का पत्थर, जिसका उपयोग आप करते भी हैं, और इसका सामान्य सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। फिर इसके बाद है इसी तरह से जिंक धातु भी अपने कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, और इसका नाम होता है कैलामाइन, जिसका सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट यानी कि Zn CO3। इसके बाद कुछ धातुएं अपने सल्फाइड अयस्कों के रूप में भी पाई जाती हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आयरन। आयरन अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में भी मिलता है जिसे आयरन पाइराइट कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है FeS2। इसी तरह से जो कॉपर है वह भी अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है, और यहाँ पर इसका नाम होता है कॉपर पाइराइटीज, और इसका सूत्र होता है CuFeS2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कॉपर पाइराइटीज है इसमें कॉपर के साथ साथ आयरन भी उपस्थित है। तो यहाँ पर जो धातु होगी कॉपर होगी, और जो आयरन होगा कई ऑक्साइड होंगे वो गैंग के रूप में उपस्थित होंगे, क्योंकि इस अयस्क से हमको जो शुद्ध रूप में प्राप्त करना है वह कॉपर धातु प्राप्त करनी है। इसके बाद देखें कुछ बहुत महत्वपूर्ण अयस्कों के रूप में होते हैं सल्फेट अयस्क के रूप में, और इसका आपने नाम भी सुना होगा जिप्सम, जो कि कैल्शियम का अयस्क होता है, और इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट, और इसमें सूत्र यदि हम इसमें लिखें तो लिखेंगे CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। तो इस तरह से हम देखें कि जो भूपर्पटी है उसमें भिन्न भिन्न धातुएं अपने भिन्न भिन्न यौगिकों के रूप में उपस्थित होती हैं, और इसी यौगिक के प्रकार के आधार पर हम अयस्कों को भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटते हैं, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क या सल्फेट अयस्क। अयस्कों के बारे में जानने के बाद
आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं और वो उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारा छत्तीसगढ़ अयस्क या खनिज के रूप की दृष्टि से काफ़ी भरा पूरा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि किसी भी क्षेत्र में यदि किसी धातु के एक से अधिक प्रकार के खनिज उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर भी किस खनिज से धातु का निष्कर्षण किया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मात्रा कितनी है। किसी धातु का बहुत अधिक अच्छा खनिज है लेकिन हमारे क्षेत्र में उसकी उपलब्धता कम है तो हम उस अच्छे खनिज या अच्छे अयस्क की तुलना में उससे कुछ कम अच्छे अयस्क का उपयोग करेंगे धातु के निष्कर्षण में। और इसीलिए हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें धातु या लोहा प्राप्त करने के लिए हेमेटाइट अयस्क का उपयोग किया जाता है। तो आइए और भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 9.3.1 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण, इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। सामरिक महत्व के खनिज टिन के अयस्क का यह एकमात्र उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज सारणी 4 में दर्शाए गए हैं।